हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन, आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जेबीओन के 503 राउटर की। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप अपने मोबाइल की जो सिम कार्ड होता है उसके थ्रू वाईफाई राउटर स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब वो इसमें लगाएंगे अपन सिम कार्ड को और ये वाईफाई राउटर उससे काम करेगा। आप उससे नेट किसी और में यूज में ले सकते हैं। आपको किसी DVR में यूज में लेना है या किसी आपको लैपटॉप डेस्कटॉप में यूज में लेना है तो भी आप इसके थ्रू वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक आउटपुट पोर्ट भी होता है RJ45 वाला, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत जोरदार होने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखना, छोटा सा वीडियो है। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, ये है राउटर जेबीओन का। इसमें लिखा हुआ है ऊपर 503 राउटर, जेबीओन कंपनी लिखा हुआ है। RJ45 का इसके अंदर एक पोर्ट है और मल्टी यूजर अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और वाईफाई अप टू 50 मीटर ये कनेक्ट हो सकता है, 50 मीटर की दूरी कवर करेगा। सिक्योरिटी इसके अंदर रहती है। बाकी इसके अंदर 4G और 5G सिम दोनों ही सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों, ये 5DVI का इसमें 3 एंटीने लगे हुए हैं, ये सारी इसकी खास बात है। और 300 Mbps की स्पीड है इसकी। तो ये सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, किस तरीके के राउटर है, सारा सब कुछ इसमें लिया हुआ है। MRP इसकी 3199 रुपये है, 3199 रुपये। अब इसको मैं ओपन करता हूँ और इसको कनेक्ट करके बताता हूँ किस तरीके से अपन यूज में लेंगे इसको। ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, इस तरीके से आता है दोस्तों इसके अंदर JBL का। ये इसके अंदर एक RJ45 केबल आती है, ये इसका एक अडेप्टर आता है साथ में, और ये राउटर आता है। बस ये तीन चीज आती है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, ये इसको इस तरीके से ऊपर कर सकते हैं अपन। ये तीन एंटीने हैं इसके अंदर। और इसके अंदर ये पीछे देखिए RJ45 कनेक्टर है। अगर आउटपुट आपको RJ45 में चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। आप इसको DVR में कनेक्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे पावर का पोर्ट है, यहाँ पे आप अडेप्टर लगाएंगे उससे कनेक्ट होगा, इसमें पावर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिम का पोर्ट है, यहाँ पे अपन सिम लगाएंगे और यहाँ पे रीसेट करने का ऑप्शन है। बस इतना ही सब कुछ होता है इसके अंदर। और इसमें करना क्या होता है, बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों। इसके अंदर अपन को सिम लगाना है। आपको सिम लगाओगे, रेड लाइट इधर राइट साइड में चलेगी, और उसके बाद जैसे ही सिम वो इधर की ब्लू लाइट स्टेबल हो जाती है, मतलब आपका नेट कनेक्ट हो जाएगा। आप बहुत इजी तरीका से लगाना होता है। और इसके पीछे यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई थी है। इसके अंदर यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पासवर्ड आपको डालना है और आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल में कनेक्ट करना है तो ये आपको दिखाएगा उसके अंदर, और वो वहाँ पे जहाँ पे दिखाएगा वहाँ पे ये पासवर्ड डालोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके थ्रू कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी तरीका है। आप बोलोगे, मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये वाईफाई राउटर है और मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। और ये कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए रेड लाइट आ चुकी है। अब इसके अंदर अपन लगाएंगे सिम। ये मैंने सिम को इस तरीके से पकड़ा है, और ध्यान से लगाना है दोस्तों, नहीं तो कई बार क्या अंदर चली जाती है। उसको सिम को इसका होल देख के फिर लगाना है। और इसके अंदर अभी तक ये ढंग से लगी नहीं है, किसी भी चिमटी की सहायता से या किसी से भी आप इसको थोड़ा सा दबा दीजिए, अंदर तक प्रेस हो जाए, यहाँ से अंदर तक रहनी चाहिए, तभी ये सिम कनेक्ट हो पाएगी। और इसके अंदर ये ब्लू लाइट आ रही है, ये ब्लू लाइट कंटिन्यूस ब्लिंक करने लग जाएगी, तो इसका मतलब ये कनेक्ट हो जाएगा आपके वहाँ पर। इसके बाद मैं इसको रखता हूँ और दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये मेरा लैपटॉप है, इसमें देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 4G MIFI करके। इस पर क्लिक करूँगा और ये कनेक्ट कर दूंगा तो ये कनेक्ट करेगा। और इसमें पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि इसके बैक साइड में लिखा हुआ है। इस पर नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये कनेक्ट हो रहा है। दोस्तों, इसको आप कहाँ कहाँ काम में ले सकते हो इस राउटर को, जहाँ पे रूरल एरिया हो, जहाँ पे सिर्फ आपका मोबाइल की कनेक्टिविटी आ रही हो, वहाँ पे ब्रॉडबैंड की व्यवस्था नहीं हो और आपको वाईफाई राउटर लगाना हो और आसपास का एरिया कवर करना हो, तो वहाँ पे इसको काम में लिया जा सकता है। या फिर आपको इससे कनेक्ट करना हो, आपका DVR कनेक्ट करना हो, आपके लैपटॉप कनेक्ट करना हो आप। दोस्तों, ये कनेक्ट हो चुका है इसके अंदर, यहाँ पे कनेक्टर लिखा हुआ आ रहा है। अब नेट चला के दिखाता हूँ मैं आपको।
यहाँ पे मैं नेट चला के दिखाता हूँ, यहाँ पे YouTube पे क्लिक किया मैंने और ये YouTube चल रहा है आराम से दोस्तों, ये नेट चल रहा है आसानी से। तो दोस्तों मैंने इस राउटर की अनबॉक्सिंग कर दी है, और आपको अगर इसको यूज में लेना है तो आप नियर बाई किसी शॉप में जाके वहां से परचेज कर सकते हैं, अगर ये राउटर आपको नहीं मिलता है तो। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, सेलेक्स का राउटर आता है जो कि 5G और 4G दोनों सपोर्ट करता है, लगभग सेम ही राउटर आता है, करीब 2500-2600 रुपए के आसपास उसकी प्राइस होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे से जाके वो ट्राई कर सकते हैं अगर ऑनलाइन आपको परचेज करना है तो। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।